हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एवरीबॉडी। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में पेज नंबर 17 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है डबल ओ वर्ड्स फैमिली। यहाँ पे आगे आपको डबल ई वाले वर्ड्स पढ़े थे, यहाँ पे आपको पढ़ना है डबल ओ वर्ड फैमिली। लुक एट द पिक्चर, ट्रेस इट्स नेम एंड सर्कल डबल ओ, है ना। जैसे यहाँ पे आपने किया है वैसे ही यहाँ पे करना है। ये जो पिक्चर है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके नीचे स्पेलिंग दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर आपको ऐसे ट्रेस करना है और बोलना है मून। क्या है ये? मून। फिर पुल। क्या है? पुल। फिर आएगा ब्रोम। क्या है? ब्रोम। ब्रोम। फिर स्टूल। क्या है ये? स्टूल। क्या है? स्टूल। स्पून। डबल ओ वाले वर्ड्स है ये, स्पून। और ये है बलून। क्या है? बलून। ओके, तो ऐसे मेरे जैसे आपको ट्रेस कर देना है और उसमें आपको डबल ओ को ढूंढ के उसमें आपको ऐसे सर्कल करना है, ओनली फॉर डबल ओ। ओके, जैसे डबल ओ को आपको ढूंढना है और उसके ऊपर ऐसे सर्कल करना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसमें भी यहाँ पे भी आपको सबसे पहले ये पिक्चर को देखना है, समझना है, और उसके रिलेटेड यहाँ से आपको स्पेलिंग ढूंढना है और ये लिखकर ये सेंटेंस कंप्लीट बनाना है। तो क्या लिखा है? द फिलिंग द ब्लैंक्स इज इन द स्काई। तो स्काई में ये किसका पिक्चर है? तो के मून का। तो यहाँ पे बन गया मून। तो द मून इज इन द स्काई। इसके बाद यहाँ पे क्या है? तो के स्पून दे रहा है ना, स्पून का पिक्चर दिया है, तो यहाँ पे आ गया स्पून। तो आंसर क्या बन गया? गिव मी अ स्पून। क्या बोल रहे हैं? गिव मी अ स्पून, मुझे स्पून दो, है ना। फिर यहाँ पे एक मैन स्टूल पे खड़ा है, तो यहाँ पे स्टूल का स्पेलिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टूल। और बन गया ए मैन इन ऑन ए स्टूल। तो मैन किसके ऊपर खड़ा है? तो के स्टूल पे खड़ा है। तो यहाँ पे सेंटेंस बन गया ए मैन इज ऑन ए स्टूल। अंडरस्टूड? तो इसको आपको खास ध्यान रखना है, ये है डबल ओ वाले वर्ड्स है ना। तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सेंटेंस बना के दिया हुआ है। वो सेम आपको किस में करना है? तो क्या आपकी नोटबुक्स में। तो यहाँ पे लिखना है क्लास वर्क पेज नंबर 16। ओके, 16। तो वहाँ पे आपको लिखना है ऐसे, यहाँ पे बी लिख लेना है, तो बी का स्पेलिंग आपको 4 टाइम लिखना है। ओके, वैसे आपको ग्रीन का लिखना है, अंडरस्टूड, हिल का लिखना है, फिर जीप का लिखना है, उसके बाद पील का लिखना है, उसके बाद ट्री का लिखना है। ये सभी स्पेलिंग आपको 4 टाइम लिखना है, लाइन ड्रॉ करके लिखना है, ऐसे स्केल का यूज करना, लाइन ड्रॉ करना और फिर वो स्पेलिंग आपको लिखना है। उसके बाद ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो उसके नीचे यहाँ पे एक्सरसाइज करके आपको लिखना है, 1, 2 एंड 3। ओके, और फिर सेम क्लास वर्क आपको यहाँ पे पीछे भी करना है, पेज नंबर 17, एटले ये। ओके, उसके जैसे ही करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना वैसे ही, कि मून का लिखना है, फिर पूल लिखना है, फिर ब्रोम लिखना है, फिर स्टूल लिखना है, स्पून एंड बलून। ओके, वैसे ही आपको लिखना है और यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज करके 1, 2 एंड 3, ये भी आपको 4 टाइम लिखना है, 1, 2 एंड 3।
फोर टाइम लिखना है, ओके। तो ऐसे मेरे जैसे आपको ये क्लास वर्क कंप्लीट कर देना है, ओके। बाय बच्चों।